सबसे ज्यादा आई थिंक भीड़ और लाइन इसी काउंटर पे लगने वाली है पंजाबी ठेके। ऐसे लोगों को देख के मुझे हमेशा मोटिवेशन आती है कि यार मैं अकेला नहीं हूँ, दुनिया में और भी ऐसे बहुत सारे इवन सभी लोग हैं जो अपने काम को रोज निभा रहे हैं। सो हे एवरीवन, मैं घर से निकला हूँ अभी जिम जाने के लिए और सबसे मुश्किल पार्ट शुरू होने वाला है पूरे दिन का, वो ये है गर्म गाड़ी में बैठना। और आप सबको पता है गर्मियों में गाड़ी की क्या हालत हो रही होती है, अंदर से होए होए भट्टी का एहसास हो रहा है, गाड़ी जल रही है। सबसे मुश्किल पार्ट है ये गरम गरम गाड़ी के अंदर आके बैठना। वो जो 2 मिनट लगते हैं ना एसी से ठंडी होने में, वो 2 मिनट बिताने सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। वैसे एसी ना हो तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या हो इंसान का। तो जिसने भी एसी का आविष्कार करा है वो यार मतलब 21 तोपों की सलामी, ऐसे तो 21 नहीं 21 तो आम बंदों को देते हैं, उसको तो 42 तोपों की सलामी देनी चाहिए। गाइज आपको एक बात बताता हूँ, आज कभी आप लोगों को अगर सुबह मोटिवेशन ना आ रही हो ना, लग रहा हो कि यार लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या काम करने का दिल नहीं कर रहा, तो एक बारी क्या करना, मेन रोड की तरफ अपना चेहरा घुमा लेना, आपको वो देख के हमेशा मोटिवेशन आएगी। आपको इतने सारे आसपास लोग दिखेंगे जो डेली सुबह उठ के अपने काम धंधे पे जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, बिजनेस पे जा रहे हैं। ऐसे लोगों को देख के मुझे हमेशा मोटिवेशन आती है कि यार मैं अकेला नहीं हूँ, दुनिया में और भी ऐसे बहुत सारे इवन सभी लोग हैं जो अपने काम को रोज निभा रहे हैं, तो अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो मैं तो पहुंच चुका हूं जिम, मैं अपने भाई का वेट कर रहा हूं। मेरा कज़न ब्रदर है, वो भी मेरे साथ आता है जिम। वो आता है, उसके एक दो दोस्त होते हैं और उसकी समझ जाओ वो भी आता है। ये हमारा लौंडा आ गया है, हमें कम से कम हमेशा की तरह 25 से 30 मिनट वेट कराने के बाद। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो हमारे जिम में आज हेल्पर भैया आए नहीं है, हमारे जिम का बजट कम है थोड़ा सा, जिसकी वजह से जिम के क्लाइंट्स को ही काम करना पड़ रहा है। क्या बात है भाई, बॉडी होने के काफी फायदे हैं, इनमें से आप देख भी रहे हो। ट्रेनर साहब क्या मार रहे हैं आज? भाई बैक लेगा। बैक लेंगे? ओके, क्योंकि सलमान खान ने बोला है बैक मारा करो। बैक मारो बैक। तो जिस बात का हमें डर था वही हुआ है, हमारे जिम में 1 बजे गाने बंद हो जाते हैं और गाने बंद होने का जिम्मेदार सिर्फ ये आदमी है जिसको अभी आई फ्लू हो रखा है, सब बंद कर देते हैं और हमारे जिम को सरकारी जिम बना देते हैं। हेडफोन लेके भेजा करो घर से। भाई हेडफोन लाया करो घर से तुम। यार रोज का कलेश है गाने और एसी के ऊपर। 1 बजे रोज कलेश होता है जिम में। हियर कम्स द मैन ऑफ द मैच, हमारी वीडियो का कंटेंट किंग आया अब। भाई लड़का मेहनत कर रहा है आते ही। लो जी अभी तक एसी बंद था, गाना बंद था, अब लाइटें भी बंद हो गई हैं, धीरे धीरे जिम भी बंद हो जाएगा। भाई निपट गया आज का जिम का सेशन, बैक वर्कआउट था। जिम के बाद हम थोड़ी ऐसी 5-7 मिनट बातें भी करते हैं, थोड़ा पसीना वसीने सुखाते हैं, एक दूसरे से मजे लेते हैं। अब निकल रहे हैं घर की ओर। सो घर आ गया हूँ मैं गाइस, एंड टाइम फॉर माय पोस्ट वर्कआउट मील, जिसमें मैं प्रोटीन लेता हूँ और एक बनाना खाता हूँ। तो गाइस अब वक्त हो रहा है शाम के लगभग 6 बजे हैं, मैं जस्ट नहा के निकला हूँ अभी मेरे हुलिये से, आपको समझ आ ही रहा होगा। मैं रेडी हो रहा हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट है गाइस। रेडिसन ब्लू होटल द्वारका ने इनवाइट करा है मुझे और हवीशा को, क्योंकि आपको पता है इंस्टाग्राम पे लाइक वो भी ब्लॉगर है मैं भी ब्लॉगर हूँ, तो उनका कोई एक्टिविटी चल रही है जिसकी वजह से उन्होंने हमें डिनर पे इनवाइट करा है। तो मैं और मम्मी यहाँ से जा रहे हैं, जीजू और हवीशा नोएडा से आ रहे हैं, तो हम सब द्वारका मिल लेंगे। भाई मम्मी तो हो भी गई हैं रेडी, ये सबसे पहले रेडी भी हो चुकी हैं। भाई सारी औरतें देख लो लेट रेडी नहीं होती हैं, कुछ ऐसी भी होती हैं जो जल्दी रेडी भी हो जाती हैं। तो निकल गए हैं मैं और मम्मी, नीचे उतर रहे हैं, मेरी सिस्टर और जीजू अपने घर से निकल गए हैं, यहाँ से निकल रहे हैं। उनको 2 घंटे का टाइम है क्योंकि नोएडा से द्वारका थोड़ा दूर है, हमारा 1 घंटे का टाइम है। भाई इवेंट वो भले ही मेरा और मेरी बहन का है, लेकिन हम दोनों से अच्छी मेरी मम्मी लग रही हैं हमेशा की तरह। मम्मी को टेंशन हो गई है, उनकी काली पैंट पे थोड़े से निशान लग गए हैं, नजर लग गई, और मेरे को ये गाड़ी नहीं चलाने दे रही हैं कि मेरे को टिश्यू ला गए थे अभी की अभी। मम्मी को थोड़ी थोड़ी भूख लगनी शुरू हो गई है, रेयर ही ऐसा होता है, रेयर ही इनको भूख लगती है, थोड़ी मंचिंग कर लें। तो कह रही जब तक हम द्वारका नहीं पहुंचते तब तक थोड़ा बहुत खा लें कुछ ना कुछ। यार ये मुझे आजकल बहुत अच्छी लगने लग गई है, इवन हमारे घर में सबको ही टोंग की मूंगफलियाँ बहुत करारी और बढ़िया होती हैं। हाँ जी पहुंच गए मम्मी, आइए आइए मैम आइए। इस होटल के साथ काफ़ी अच्छी मेमोरीज हैं हमारी, हम आज से करीबन 10-11 साल पहले आए थे यहाँ पे स्टेकेशन के लिए,
मेरे फादर लेके आए थे यहाँ पे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था ऐसा। मतलब बहुत सारे होटल्स विजिट करा है, बहुत सारी जगहों का हमने बूफे खाया है, लेकिन ऐसा जो खाना था ना, ऐसा जो ब्रेकफास्ट था वो नहीं खाया रेडिसन ब्लू द्वारका। बहुत अच्छा, तीनों में ही कमाल के थे, इतनी वैरायटी अनलिमिटेड, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो आज हम यहाँ फिर से आए हैं, आप देख सकते हो। तो मैं और मम्मी तो पहुँच चुके हैं, अभी जीजू और हरीशा का वेट है, जब तक वो नहीं आ रहे तब तक हम कॉम्प्लेक्स में घूम रहे हैं, जब वो आ जाएंगे तो अंदर चले जाएंगे रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने या जो भी प्रोसेस है। हेयर कम्स द ब्लैक गॉर्जियस ब्यूटी, क्या लेन बढ़िया, कैसे हो जीजू? ये पंजाब थिंक है, बिफोर इंडिपेंडेंस जो भी मतलब लॉस्ट रेसिपीज हैं, बिफोर इंडिपेंडेंस पंजाब टू लाहौर जो भी लॉस्ट रेसिपीज हैं, तो वो उससे रिलेटेड आज यहाँ पे थीम है सर, जिसके लिए बुलाया गया है। किसे? इनको, इनके साथ साथ मुझे भी। गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो, पूरा ही यहाँ पे पंजाब थीम बनाई हुई है। जलंधर का बोर्ड, आगे अमृतसर का बोर्ड है, उसके आगे लाहौर का बोर्ड है, तो काफ़ी अच्छी थीम पे बनाया हुआ है यार। इवन सारे जो इन्होंने यूटेंसिल्स यूज़ करे हैं, बर्तन जितने भी हैं वो सारे मिट्टी के हैं, ताकि प्रॉपर ट्रेडिशनल पंजाबी थीम की फील आए। भाई ये सारे पंजाबियों की आई थिंक फेवरेट जगह है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आई थिंक भीड़ और लाइन इसी काउंटर पे लगने वाली है, पंजाबी ठेका। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। यहाँ से फिर मुंबई आ गए। ये इससे पे को कॉर्पोरेट ऑफिस। ओके। सो आई कम। और ही स्टिल वर्किंग है। सो ये इस प्रॉपर्टी के सर जो हैं वो शेफ हैं, एंड बहुत ही कमाल की यहाँ पे प्रिपरेशन, बहुत अच्छा खाना है यहाँ पे, सारा क्रेडिट इनको जाता है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ये लो, ये दही गुजिया है। गुजिया थोड़ी सी भल्लो से इसके डिफरेंट होती है कि गुजिया की ही उसमें शेप में होती है, और इसमें ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग होती है। ये गुजिया। अच्छा दही गुजिया, अभी बताया ना मैंने गुजिया। सॉरी हमें आइडिया नहीं है ना यार इतना। अच्छी है, वेरी नाइस। तो अब क्या खाने जा रही है बहन? भरवा गोलगप्पे। भरवा गोलगप्पे, ये तो तूने अभी परसों तरसों भी खाया है, ब्लॉग में देखा है लोगों ने गोलगप्पे। हल्दीराम्स के ये मतलब कहीं भी जाए रेडिसन या हल्दीराम, लेकिन गोलगप्पे चाहिए इसको। वो प्लेन से भरवा है ये, भर मतलब हैं तो गोलगप्पे ही। अभी मैंने इसकी फ़ोटो खींची है, अब मम्मी की खींचूंगा। मम्मी कह रही है मेरी खींचियो मुल्तान के आगे, क्योंकि मेरी मम्मी मुल्तान से बिलोंग करती हैं। ये पता नहीं कहाँ कहाँ से बिलोंग करती है। मज़ा आ रहा है गाइस, बहुत। अभी हमने जस्ट स्टार्ट करा है, क्योंकि कंटेंट बना रहे थे उससे पहले इंस्टाग्राम के लिए। आप लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा अगर आप देखना चाहते हो कि मैं क्या क्या वहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ। तो अभी चाट पापड़ी वगैरह ले लिया है, अब हम आगे और स्टार्ट करेंगे। कैसा लग रहा है मम्मी? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा है ना पंजाब में ही आ गए हैं बिल्कुल। बहुत टेस्टी खाना है, जितना भी इतना ट्राई किया है बहुत अच्छा लग रहा है। ये तंदूरी आइटम्स आए हैं कुछ, और बहुत सही प्रिपरेशन लग रही है इनकी। कैसे धुआं बाहर आ रहा है, बहुत देख के लग रहा है बड़ा स्वाद हो गया। मजाक उड़ा रही है मेरा, इसलिए हंस रही है। मैं कैसे खा रहा था। कुछ लोग मेरे भरोसे कितना एंजॉय करते हैं। माँ की दाल, माँ की दाल, मेरी माँ ले रही है माँ की दाल। मम्मी अपने डेजर्ट भी ले आई हैं। कितना मीठे को स्किप किया होगा आज खाने सारा। अरे मम्मी यहाँ के ना खाया तो क्या खाया। कहते हैं ना हर इंसान की कोई वीकनेस होती है, ये मेरी वीकनेस है। निपट गया भाई अपना प्रोग्राम, बहुत अच्छा था। बहुत मतलब अच्छी बात ये है कि क्वालिटी डे बाय डे एनहांस हो रही है, मतलब वो गिर नहीं रही है, बढ़ रही है धीरे धीरे। ओवरऑल बहुत अच्छा था आज का, बहुत मज़े आए, खाना एक नंबर, और प्रेजेंटेशन शेफ बहुत हम्बल, बार बार आके वो पूछ रहे थे हमसे कि कैसा है ये, कैसा लगा वो, कैसा लगा। बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिली है, बड़ी चीज़ें इसलिए और बड़ी बनती हैं यार, क्योंकि वहाँ का स्टाफ उनको और बड़ा बनाता है, उनकी हॉस्पिटैलिटी उनको और बड़ा बनाती है। तो हम निकल रहे हैं अलग, जीजू और हविशा जा रहे हैं अलग वापसी नोएडा, और हम चले अब अपने घर को।